भाई हम तो यहीं बैठे हैं, अपने हमारा घर है ऊपर और भाई यहाँ भयंकर बारिश देख रहे हो। लग रहा है बारिश बंद होगी नहीं भाई, पूरा मौसम बना हुआ है बारिश का दबा के। ढोल वाले कैसे आएंगे भाई, आएंगे भी वो नहीं आएंगे भाई? पूरा मौसम है बारिश ही बारिश हो गई है, पूरा दबा के पूरा कीचड़ कीचड़। तो भाई अर्सेना यहाँ बनने रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये देखो क्या लगाया, चाचा बताओ, चाचा बताएंगे। गढ़वाल की बाल मिठाई बना कौन रहा, चाचा बना रहे हैं? छोटी दादी है, हमारे ताऊ जी और दादी जी मेन एक्सपर्ट, मेन बुढ़े बुढ़े जो लोग हैं जो पहले के सीखे सिखाए वो बनाएंगे। यहाँ बन रहा है अरसे, ये तू अरसे देखो। अरे अरसा बन रहा है बाल मिठाई बनने लगी मुन। हाँ उत्तराखंड की फेमस मिठाई बन रही है, फेमस मिठाई बन बाल मिठाई है। भाई लोग यहाँ पर हम बैठ के और भाई पूरा मौसम देखो, पीछे का पूरा मौसम खराब हो चुका है। और भाई अब गौर से इसको देखो, इस गुन्ना को देखो, इस गुन्ना को यहाँ पर देख रहा हूँ। और भाई यहाँ पर बन रहे हैं अरसे, जो गढ़वाल की बहुत फेमस पहाड़ी डिश है अरसे, जो सबके लिए बनते हैं, बहुत मीठे होते हैं। अगर आप लोगों ने खाए होंगे, जिसने भाई अरसा खाया ना, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना यस, फिर आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना, कमेंट सेक्शन में भर देना है, क्योंकि भाई वैसे अपने गाँव के रीति रिवाज को तो बचाना ज़रूरी है। भाई यहाँ बहुत एक्सपर्ट लोग बैठ रहे हैं, मम्मी लोग तो गुन रहे हैं, बाकी जो उबाल के निकाल रहे ना वो बहुत बुढ़े बुढ़े लोग बैठे हुए हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, बाकी मम्मी लोग तो सिर्फ गुलगुले बना रहे हैं और चाचा लोग जो एक्सपीरियंस है यस। ये देखिए यहाँ हम डाल रहे हैं चाय, जो बाहर बना रहे हैं अरसे खाना पीना गाँव का ले, उनके लिए हमने चाय लेके आ गया। अपना लोगों को देनी है, हमारी ड्यूटी लेके चाय देने की, मैडम की ड्यूटी थी चाय बनाने की, है ना? बस तो चलिए बच्ची और भी नहीं, फिलहाल इतना वाइट करता हूँ, आप अभी रुको हो जाएगा। तो पहले लोगों को चाय पिलाते हैं, ये लो। हो जाएगा दिव्या चाय, चाय गरम, चाय गरम दादी। ओके लट्टा दादी, चाय अभी सब लोग बिजी हैं तो कोई चाय नहीं पिएगा। तो भाई अभी इतना अरसा बन चुके हैं, हमको खाने को मिलेगा नहीं, कल मिलेगा, कल मिलेगा। अरे यार अभी दादी को भी चढ़ेंगे ना, हैं थोड़ा तो मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा भाई। सर दोनों दादी यहाँ लगी हैं, चाची मम्मी ताई चाचा और ताऊ जी वहाँ पीछे लगे हैं, हेड मास्टर जी वहाँ सबसे आगे बैठे हुए, पुराने लोग जिनको सबको जाता है। बारिश आ गई है फटाफट से और पूरे कढ़ाई में गिर रहा है पानी, तो फटाफट से अभी इसको ढकने का प्रबंध करे जा रहे हैं सबके लोग। और भाई नीचे बिस्तर रह गए थे तो परवीन और पवन गए बिस्तर को रखने, भाई जल्दी भीग जाएंगे भाई। दादी मेहरबान हो चुकी है हमारे ऊपर, क्या दादी दादी कृपा है। भाई लोग बोलते हैं कि बारिश होने से ना कृपा होती है, अच्छा होता है, शुभ होता है, तो बारिश हो चुकी है, दादी बहुत खुश हैं, शायद पता नहीं खुशी होंगी, रो तो रहेंगी बट वैसे खुश होंगी। और फटाफट से ना कपड़े, खराब कर दिया बारिश ने, हल्की हल्की बारिश तो हो गई थी दादी की खुशी में। और भाई ये देखो सारा बनाने का काम यहाँ हो गया है, और यहाँ से ना ऊपर से उसको ढक दिया है तिरपाल पास से, ताकि कढ़ाई के अंदर पानी के छींटे ना जाए। क्या ओ अब तो बंद हो गई है, बंद हो गई अब भाई, ये तो बारिश अभी थोड़ी सी बंद हो चुकी है, और जो इंतजाम है ना वो दो जगह सेपरेट हो गया और एक पत्ती से तो बन ही चुके हैं फिलहाल। तो भाई ये हम अब आपको देने चल रहे हैं गांव का टूर। ये तो ये हमारा घर है, हम आपको ना इस ब्लॉग में, इस वाले ब्लॉग में हम आपको पूरा, हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तेरा था क्या?
क्या ये खाड़ू के सिंह कौन लिया है? ये मैंने अभी लेके रखा भाई, ये वाला घर तो बंद ही पड़ा है। यहाँ दिखाते हैं आपको, पर यहाँ दिखाते पर ये जानते हैं कानू और को? नहीं नहीं। अच्छा गए अब दादी तो वहां रहती है ना, देहरादून। ये भी हमारे सो रहे हैं, ये हमारे ही सो रहे हैं, ये भी दिल्ली रहते हैं। अबे इनको बता रहा हूँ भाई, अबे भाई मैं विपुल को बता रहा हूँ। और ये हमारी चाची का, ये भी, ये हमारा पुराना घर है, ये हमारा पुराना घर है, टूटी और नीचे वाला था ये भी खत्म। और ये हमारा मतलब मीटिंग पॉइंट है, ये हमारा मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। यहाँ पे गांव से किसी को निकालना है तो यहाँ पे बैठोगे। वो मूवीज में होता है, वो मूवीज में होता है, यहाँ नहीं होता। हाँ हाँ, ये भी हमारा पुराना लगी तो नहीं। ओहो कहाँ लगी? जब लगी ये हमारा पुराना घर है, ये भी ये टूट गया पर अब तो। हाँ यहाँ चल ऊपर से। दादी तो ये थी। कहाँ है दादी? तो यहाँ पे है। कौन दादी? संजू भैया की मम्मी। अच्छा ये रहा विशाल भाई का घर, लग गया क्या? कोई नहीं। ये विशाल भाई का घर है, ये जो हमारे घर में आया ना अभी, ये भी हमारे सो रही हैं सारे बिस्ट हैं अभी। थोड़ा भाई साहब आ गए, थोड़ा थोड़ा स्पीड में यार। दादी ये भगवान ताऊ जी का घर है ना? ये तो पुन्नी पुन्नी भैया लोगों का। अच्छा ये पुन्नी, ये है भगवान ताऊ जी का। हाँ हाँ। और ये है पलोसिया बॉडी का। हाँ। और इनका टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है। अच्छा ये ओके। दादी के दो महल हैं। ये तो आज ही तो गए सुबह सुबह बब्बू भाई लोग। और हाँ सुबह सुबह गए, कल दोस्त की शादी है ना। हाँ शादी है ना क्या दोस्त की, बचपन के दोस्त। विपुल पटवाले ना, उन्हीं की तो अच्छा अच्छा। कौन कौन है? अरे वो मुझे आए दादी देखने, वो कह रही मैं तेरी दीदी छौकी। दीदी ये दादी की, ये दादी की हवेली, दादी की हवेली है। और ये भी हवेली है, दो दो हवेली है दादी की। अभी तो बनाया, रिटायर हुए ना। हाँ बाथरूम डाला ना। ताऊ जी तो डेली घूमते हैं। हाँ नहीं नहीं अब तो नया बना दिया, तब मैं वीडियो सबको दिखाऊंगा ना। यहाँ पर गाय अभी भी है दादी, गाय गाय चलो इधर, नहीं तो चलो आओ एक बात ही दिखाते हैं। क्या खुशबू आ रही ना गोबर की? और दादी की एक बाछी है यहाँ पर, प्यारी सी बाछी। खा जाएगा गाय वो। बाछी बाछी डर रही है हमसे, ये हमारी दादी की बाछी है प्यारी सी। ये पहले हम यहाँ बहुत घास देने आ गया, वो टाइम हो गया उनके घास का। हैं आपको बहुत पता है? यस, क्योंकि ये शाम पे उनको भूख लगती है ना। आप गांव में रहती थी ना पहले, गांव में पढ़ाई करी आपने हर चीज गांव में, तो ऐसी था। करो कोई नहीं, ये वाला घर भी गुसाइयों का था हमारे, पर टूट गया। हम मेंटेन रखना होता है ना, दिया ना पहले ऐसा था। चलो चलो चलो, ये है संदीप का घर। अच्छा, इनका ओए संदीप दादी। हाँ वो उनका ताई, जैसे हमारे ताऊ हैं वैसे ताई हैं। अच्छा, हाँ पापा के बड़े भाई। ये है घर, इनका डॉगी भी है खतरनाक वाला, इनकी बाछी भी है। ये हम पहुंच गए हैं घर पर। आओ
भैया पीछे आते थे हम यहाँ पर। भाई ये चाहिए और का पीछे का हिस्सा, यहाँ पर हमने खूब वो करे, यहाँ पर खेती, ये हमारे वाले खेत है शायद, यहाँ कहीं पे ना कोई एक खेत है शायद, और ये वाला हिस्सा संदीप वंदीप का है, और ये बाकी ताई लोग। हाँ केले बहुत है, इसी गाड़ी हमारी गाड़ी यहीं तो खड़ी है। यहाँ जाते थे हम नीचे आम के पेड़, और यहाँ पूरे सेरा वेर होते थे, और यहाँ उगते थे बासमती रा, भाई यहाँ का खुशबू आती थी बासमती चावलों की, लोग बोलते हैं बहुत उगते थे, बहुत खुशबू होती थी, खुशबू आती थी यहाँ पे। तो तुम लोग उठा लेते यार कुछ, अब कहाँ से ला बासमती? परवीन तू ही एक मात भाई, कोई आ गया गाड़ी से, हमारे गांव की एक टैक्सी आ गई। अरे तो भाई बंटी भाई की मम्मी यार, नहीं बंटी भाई की मम्मी है, वो ऊपर जो डोम थे ना, ये रामपाल चाचा आ गए। ऐसे मत चिल्लाओ, तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपने पानी वाले स्पॉट पर, चलो यहाँ पहले पानी लेने जाते थे यार। तो कितना सा रास्ता कहना बंद हो गया वाला, हैं? डिग्गी हमारी, हाँ वेस्ट ना उससे। ये भाई यहाँ से हम सारा नीचे आते थे ना, नीचे झाड़िया वाड़िया पूरा, और यहाँ से यहाँ नागजा का मंदिर भी था, टूट गया पर जाने का रास्ता भी नहीं है अब तो। और ये हमारा फेवरेट पिकनिक स्पॉट, यहाँ पर बैठ के हम बहुत बातें शाते करते। भाई यार गिर मत जाइयो हीरो, भाई हम तो यहीं बैठे हैं अपने, हमारा घर है ऊपर, और भाई यहाँ भयंकर बारिश देख रहे हो, लग रहा है बारिश बंद होगी नहीं भाई, पूरा मौसम बना हुआ है बारिश का दबा के। ढोल वाले कैसे आएंगे भाई, आएंगे भी वो नहीं आएंगे भाई, पूरा मौसम है बारिश ही बारिश हो गई है, पूरा दबा के पूरा कीचड़ कीचड़ फुल यहाँ पर चल रही है आग, और भाई पूरा आंगन गीला हो चुका है बारिश की वजह से, और यहाँ चाचा लोग बैठे हुए हैं आग सेक रहे हैं, ये देखो चाचा लोग यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं, और ऊपर चल रही है गप्पे सप्पे, सब भीड़ वाला माहौल और ख्याल, सब बैठे हुए हैं घर पर आके बातें कर रहे हैं, और खाना भी बन चुका है यहाँ देखो, पतीले में खाना रखा है पर अभी हम खाना नहीं खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे खाने। भाई यहाँ देखो खाना और सब्जी रेडी है, और सब लोग यहाँ बना रहे हैं खाना पीना बढ़िया तरीके से, यहाँ बन रहे रोटियाँ वोटियाँ, और यहाँ बैठ के सब खाना खा रहे हैं, यहाँ पे खाना चल रहा है सबका। और भाई बारिश ने पूरा कर दिया है माहौल ख़राब, और हमको देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम खाना मैं खाना सर्व कर रहा हूँ यहाँ से, पवन आगे कमान संभाल रहा है, और रोटी सब्जी यहाँ से बन के आ रही है, और भाई बाहर देखो कितनी बारिश, कितनी बारिश लगी पड़ी है भाई, पूरे किच 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 हो गया है हमारा घर पूरा गंदा, बारिश बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है बहुत ज़्यादा, और अभी ना हिरन के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, लग रहा था कि शेर उसके पीछे पड़ चुका है, और पूरी शक्ल लग रहा, मेरी पूरी जैकेट भीग गई है। यहाँ खाना खा रहे हैं विशाल भाई खाना कैसा बना हुआ पवन यहाँ चाचा लोग भी खाना खा रहे हैं, है चल रहा है फुल ऑन खाना सबका। सो भाई लोग यहाँ पे सब सो चुके हैं, और
बस थोड़ी देर मम्मी सोने वाले हैं, तो यार गुड नाइट, सोते हैं। इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं किसी नए बढ़िया से ब्लॉग पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।